जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, क्या आप भी ऐसा ही करते हो कि आप जब कुछ भी करने लगते हो तो हार आप बहुत जल्दी मान लेते हो, आपका विश्वास टूट जाता है या फिर विश्वास डगमगा जाता है। लेकिन आपको पता है, जब भी हम कुछ करने का सोचते हैं तो हमें हार कभी नहीं मांगनी चाहिए। इसी पर आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक गांव में एक पागल रहता था। वो जब नाचता था तो बारिश हो जाती थी। तो जब भी गांव वालों को बारिश चाहिए होती थी, वो पागल को नाचने के लिए बोलते थे। कुछ टाइम बाद शहर से चार लड़के गांव में आए और वो सोचने लगे, जब पागल के नाचने से बारिश हो सकती है तो हम भी नाचेंगे और बारिश कराएंगे। लेकिन वो 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, आधा दिन नाचते ही गए और आधा दिन निकल जाता है, पर बारिश ही नहीं हुई। और वो बहुत गुस्सा हुए और पागल के पास जाकर बोले, तेरे नाचते ही बारिश कैसे होती है? और सारे गांव वाले बोलते हैं, देखा कि पागल के नाचने से ही बारिश होती है। तो पागल कहता है, मैं जब नाचता हूँ तो सिर्फ 2 बातें सोचता हूँ, मैं अगर नाचूंगा तो बारिश होगी, अगर नहीं होगी तो मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश नहीं होगी। संगत जी, इस कहानी से हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है। हम जब भी कोई काम करें तो सबसे पहले ये सोचें कि हमें ये काम करना है। अगर ये काम नहीं होगा तो हमें तब तक इस काम में जुटे रहना है जब तक कि ये काम पूरा ना हो जाए। हमारा विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार जब हम ठान लेंगे तो उसको करके ही रहेंगे। तभी तो गुरु जी भी हमारा साथ देंगे कि हाँ, ये हार नहीं मान रहा है, ये उस पर ही अटल है कि मुझे ये काम करके ही रहना है। इसलिए कभी भी हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा एक काम करते हुए उस पर अटल रहना चाहिए कि जब तक ये काम नहीं होगा मैं बिल्कुल नहीं हटूंगा, तो वो आपका काम जल्दी हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।